कंधार प्लेन हाईजैक पर बनी फिल्म IC-814 के डिस्क्लेमर में आतंकवादियों का नाम डालकर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा सोच रहे थे कि जनता चुप बैठ जाएगी। उस नेटफ्लिक्स सीरीज को बॉलीवुड का समर्थन प्राप्त है। नेटफ्लिक्स इंडिया को फ्यूचरिस्टिक कंटेंट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि शॉर्ट टर्म फेम के लिए जनता को परेशान करने वाले कंटेंट पर। यूजर्स तब तक नेटफ्लिक्स की सदस्यता नहीं लेंगे जब तक कि इसके स्टूडियो कंटेंट की क्वालिटी और ऐतिहासिक चित्रण की प्रामाणिकता को प्राथमिकता नहीं दी जाए। लगता है कि जो मुस्लिम जो नौजवान है वो क्यों भटक रहे हैं, वो व्हाई दे आर चूजिंग टेररिज्म, आपको क्यों लगता है? कल हिजबुल मुजाहिदीन ने एक ट्वीट किया है जहां पर उसने 12 मिलिटेंट उन्होंने फोटो दिए, क्योंकि कल बुरान वानी का भी था 1 ईयर। तो व्हाई यू थिंक दैट द मुस्लिम आर जॉइनिंग टेररिज्म? न्यूज पढ़ते हैं आप? टीवी देखते हैं? यस। नहीं देखते? देखते हूं सर। कल आपके देश के दो मंत्रियों ने दंगा करने वाले हिंदुओं को फेलिसिटेट किया, पढ़ा आपने? सवाल का जवाब खत्म। ये अनुभव सिन्हा है जिन्होंने ये सीरीज बनाई है। वीडियो से पता चलता है कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते, वो ऐसी और भी बकवास बनाएंगे। कितने लोग डिस्क्लेमर को ठीक से पढ़ते हैं? शायद 1% भी नहीं। सरकार सही पिच पर खेल रही है। सरकार सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाना जानती है। वैसे इस बार उनका सदस्यता अभियान बहुत धीमी गति से चल रहा है। उनके पास ऐसी फिल्में बनाने के लिए ऐसे वामपंथी कट्टरपंथी निर्देशकों की फैक्ट्री है। अनुभव सिन्हा का अहंकार देखिए, जब उनसे बुरान वानी के बारे में सवाल पूछे गए तो किस तरह से रिएक्ट किया है। नेटफ्लिक्स अध्यक्ष या भारत प्रमुख को माफी मांगनी चाहिए। जिहादी प्रचार को हटाने के लिए पूरी सीरीज को फिर से बनाना चाहिए या हटाना चाहिए। वो इसे पाकिस्तान में दिखा सकते हैं। घृणित, आहत करने वाला, आप इतिहास को फिर से लिखना चाहते हैं। जानबूझकर दुष्प्रचार, हिंदू कोडवर्ड नाम रखना टेररिस्ट का,